नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। यूपी के ललितपुर जिले की ग्राम पंचायत बगोई जमुई की महिला प्रधान रुचिका बुंदेला का चयन प्रदेश के उन चार प्रधानों में हुआ है जिनमें से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सामुदायिक शौचालय और पंचायत भवनों के शिलान्यास और लोकार्पण के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधा संवाद किया। रुचिका जी, सर बहुत बहुत नमस्ते आपको। नवरात्रि की बहुत आप सभी को शुभकामनाएं। मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि ललितपुर जनपद से आपने मुझे चुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या कर रहे हैं आप? सर मैं अभी इस समय ग्राम भगोनी की प्रधान हूँ और जब मैं इस अपनी पंचायत में पहुंची तो उस समय मेरी पंचायत में सबसे ज्यादा वंचित पंचायत रही है, जहाँ इलेक्ट्रिफिकेशन भी नहीं हुआ था। 2-3 शौचालय थे, वहाँ पे बारिश में कोई जा नहीं सकता था। शायद मेरे प्रदेश मतलब ललितपुर जनपद की सबसे पिछड़ी पंचायत में से एक थी, लेकिन मेरे गांव का वासियों ने मुझ में विश्वास दिखाया और मैं जब चुन के आई तो आज विद्युतीकरण भी है सर और मेरा गाँव खुला शौचालय मुक्त भी है। और मैं शिक्षा में भी बच्चों को प्रोत्साहन करती रहती हूँ। कायाकल्प योजनाओं के तहत मैं उनको बार बार नए नए कार्यक्रमों के तहत, शिक्षकों को शिक्षण व्यवस्था के तहत नए नए प्रयोगों द्वारा शिक्षा की व्यवस्था को भी सुदृढ़ बनाने की कोशिश बराबर कर रही हूँ। बच्चियाँ जो किसी कारणवश वर्षों से स्कूल नहीं जा पाई हैं, उनकी संध्याकालीन क्लासेस लगा के महिलाओं को उनको विभिन्न विभिन्न कार्यक्रमों के तहत उनमें वो प्रोत्साहन देना, उनको सुरक्षा की भावना उत्पन्न करना मेरा मुख्य काम भी रहा है। जी सर। ये आपके ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय का निर्माण हो गया है? नहीं सर, निर्माणाधीन है। पंचायत भवन और जी सर सामुदायिक शौचालय अभी निर्माणाधीन है सर। ठीक है, बहुत सुंदर। जब बन जाएगा तो उसको शासन की विभिन्न योजनाओं के साथ आप जोड़ेंगे, जैसे अन्य ग्राम पंचायतों ने जोड़ा है, तो उसका लाभ मिलेगा, रोजगार का भी सृजन होगा ग्राम पंचायत में ही। जी सर, मेरा ये भी रहा है कि जैसे गृह स्वामिनी हम बोलते हैं, महिला शक्ति की आप हमेशा बात करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी महिला शक्ति की बात करते हैं, मेरा ये ध्येय है और मेरा मकसद भी ये है कि सर्वप्रथम ग्रामीण महिलाओं को रोजगार दिया जाए। जो आपकी विभिन्न रोजगार योजनाएं हैं और SHG ग्रुप के द्वारा उनको रोजगार दिया जाए। जब गृह स्वामिनी अपने घर में रहेगी तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि शिक्षा का स्तर स्वतः ही ऊपर जाएगा जब बच्चे घर में रहेंगे, क्योंकि मेरी ही पंचायत के लगभग 60% लोग पलायन करते हैं, बाहर मजदूरी के लिए जाते हैं। तो उनको अगर हम घर में ही रोजगार दिलाते हैं महिलाओं को, तो निश्चित तौर पर उनके बच्चे स्कूल जाने की उनकी निरंतरता बढ़ती रहेगी, हमेशा बढ़ेगी, तो शिक्षा का स्तर भी स्वतः बढ़ेगा ही। जो हमारे बच्चे, जो हमारे देश के भविष्य हैं, तो मैं चाहती हूँ कि शिक्षा का स्तर भी बढ़े और महिलाओं को आर्थिक संबलता भी प्रदान हो। जी सर, बहुत बहुत बधाई आपको, अच्छा काम करिए, हमारी शुभकामनाएं। अब हम चलेंगे प्रयागराज। आपको बता दें, रुचिका बुंदेला ने बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। इसके बाद मुंबई में अपने चाचा और फिल्म अभिनेता राजा बुंदेला के पास चली गई। मुंबई में ही रुचिका ने कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग कोर्स किया, फैशन डिजाइनिंग कोर्स किया, NIT से एक्सपर्ट कोर्स किया। मैनेजमेंट का डिप्लोमा लेने के बाद 14 साल प्राइवेट जॉब की। रुचिका का साल में 2 बार गांव में आना जाना था। साल 2015 में दीपावली के समय वो जब गांव आई तो चुनाव का माहौल था। रुचिका बताती हैं कि गांव में लोग उनके पिताजी से प्रधान के लिए नाम पूछ रहे थे, तो उन्होंने मजाक में बोल दिया कि मैं कभी जिंदगी में आप लोगों के लिए कुछ करूंगी। आज मुख्यमंत्री जी से जो मेरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है, मुख्यतः मैंने अपने द्वारा किए गए कार्य, जैसे ODF का होना मेरी ग्राम पंचायत का, विद्युतीकरण, रोड लाइट, जो मूलभूत सुविधाएं हैं गांव के लोगों को, उनको लाभान्वित कराया, समय समय पर आने वाली योजनाओं से लाभान्वित कराया। 102 आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्राम पंचायत में बने हैं। मेरा मेन जो मकसद था उनको ये बताने का कि मैं गांव की महिलाओं को रोजगार देना चाहती हूँ। अगर रोजगार दूंगी तो गृह स्वामिनी घर में ही गांव में ही रहेगी, उससे ऑटोमेटिकली स्वतः ही शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। मेरे ये 2 बिंदु रहे हैं ग्राम
विकास के साथ साथ महिलाओं को आर्थिक सम्बलता प्रदान। उन्होंने मेरे से यही पूछा कि बहुत आपने क्या क्या काम किए सबसे पहले और फिर जब मैंने उनको ये बताया रोजगार की अवसर का कि मैं प्रदान कराना चाहती हूँ, उन्होंने बोला बहुत अच्छी बात है अगर आप इस क्षेत्र में काम करते हैं। मैंने कहा कि महिला शक्ति की आप बात कर रहे हैं, उसको भी एक आर्थिक सम्बलता मिलना है। वहीं इसके बाद रुचिका बुंदेला ने 6 लाख रुपए के पैकेज की नौकरी छोड़ दी थी। इसके बाद उन्होंने प्रधान जी का चुनाव लड़ा, ग्रामीणों ने भी उन्हें हाथों हाथ देते हुए अच्छे वोटों से जितवा दिया। रुचिका ने सबसे पहले गांव वालों को विकास का भरोसा दिलाया, उसी भरोसे के साथ प्रधान बन रुचिका ने गाँव की दशा बदल दी। इस खबर में फिलहाल इतना ही, बने रहिए आप वन इंडिया हिंदी के साथ।